हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम विंड स्पिनर का एक नया वर्जन बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाए थे। ये बीच का पैटर्न मैंने सेम बनाना है। ये ब्लैक कलर वाला है, ये सेकंड कलर, ब्लैक कलर है, इसमें येलो कलर किया है मैंने। सेकंड को ऐसे ही रखा है और पीच की जगह सेकंड वाला ही कलर लगाया है। ये एक स्टिक ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये कुछ बीड्स हैं, ये टसल्स बनाए हैं सेम। इस ये पहले भी बना चुकी हूँ, पहली वीडियो से आप देख सकते हैं। ये सीधी साइड है, ये देखिए, ये बीच में होल नज़र आ रहे होंगे। इस पर बुनाई करेंगे। ये सेकंड होल में क्रोशिया लेंगे और ये चेन बना देंगे। इसी तरह से सभी में चेन बनाते हुए जाएंगे। इसको लास्ट तक बनाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस सबसे ऊपर इसी कलर से हमें बनाना है, तो इसके लिए मैं एक चैन ले लूँगी, लंबा स्टिच लेना है। आप कट करके भी इसे फिर से कर सकते हैं अगर आप कोई और कलर लगाना चाहते हैं। एक चैन ले लेंगे, और जो ये चैन दिखाई दे रही हैं उसमें रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये इस तरह से बनाएंगे, बैक में लेंगे, ये देखिए, इसमें ले लेंगे सेकंड में, सिंगल क्रोशिया लेनी है। इसी तरह से ये एक किनारी बन जाएगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद। इसको लास्ट तक बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है, ये मेरा लास्ट तक हो रहा है। ये देखिए, अभी धागे को कट कर लेंगे।
ये धागा छोटा था तो मैंने आपस में इसमें नॉट लगा दी है क्योंकि अंदर नहीं जा पाएगा, और बड़े वाले धागे को क्रोशिया की सहायता से अंदर कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। इसी तरह से दोनों साइड के, ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया है, इधर ये टसल लगाएंगे, जिधर से शुरू किया था उधर टसल लगाएंगे, ये बीड्स डालेंगे टसल में, सेम वैसा ही है जैसी पहले वीडियो में डाला था। आपके पास बीड्स ना लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस चीज़ को, टसल भी लगा सकते हैं। ये इसमें नॉट लगा देंगे, ये टसल जो मैंने दूसरे लिए हैं येलो वाले, इसके धागे को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। आप निडल की सहायता से, मैंने क्रोसिया की सहायता से इसमें ये बीड्स डालूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गए, यहाँ पे नॉट लगाऊंगी और अब चैन बनाना। जितनी बड़ी स्टिक को कवर कर ले उतनी चैन बनानी है। यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ये इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये मैंने कॉर्नर पे एक विंड स्पिनर लगाया है, फिर बीड्स लगाए हैं, ये स्पिनर मैं सेंटर में लगाऊंगी, इधर फिर बीड्स की, इधर विंड स्पिनर लगा ली। ये देखिए मैं साइड के दोनों लगा चुकी हूँ, इधर चेन बनानी शुरू की है मैंने उसी तरह से लूप की, ये ऊपर तक ले जाके फिर इस साइड हैंगिंग के लिए कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा, तीनों लगा लिए हैं मैंने, ये काफ़ी अच्छा लगता है, कभी हवा से एक घूमता है कभी दूसरा घूमता है।